नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम करेंगे कंचा पाठ के MCQ प्रश्न, शब्दार्थ तथा अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। केंद्रित यानी कि स्थिर। घनी गहरी को कहते हैं। खनकना का अर्थ होता है आवाज करना। जार कांच का डब्बा होता है। कतार का अर्थ है पंक्ति। आकृष्ट यानी आकर्षित करना या अपनी ओर ध्यान खींचना। निषेध यानी मना। टुकुर टुकुर ताकना, एकटक लगातार देखना। थामना यानी कि पकड़ना। मात हारने को कहते हैं। सुबकना धीरे धीरे या धीमी आवाज में रोना। चिकोटी चुटकी काटने को कहते हैं। मग्न यानी कि मस्त। और खामोश का अर्थ होता है चुप। कर्मठ का अर्थ है अनुभवी या फिर मेहनती। सम्मिलित यानी शामिल या फिर मिलाजुला। और समाधान का अर्थ है उपाय। सीखचे यानी लोहे की लंबी मोटी छड़ें या फिर सरिया। रकम रुपए को कहते हैं। पोटली होती है थैली। काहे यानी क्यों। ये तो थे शब्दार्थ। आइए अब जानते हैं पाठ में आए कुछ मुहावरों के अर्थ। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। गुस्सा हवा होना, गुस्सा शांत हो जाना। आंखों से चिंगारियां सुलगना यानी कि बहुत क्रोध करना। मात खाना हार जाने को कहते हैं। सकपका जाना यानी घबरा जाना। पलकें भीगना, आंखों में आंसू आना। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान रह जाना। तो बच्चों आइए अब जानते हैं थोड़े MCQ प्रश्न। देखें आपने पाठ को कितना समझा, कितना जाना। सबसे पहला प्रश्न है, कंचा पाठ के लेखक का नाम क्या है? टी पद्मनाभन, सुंदरा रामस्वामी, सुमति अय्यर या फिर टी पद्मशंकर। ये आप अवश्य जानते होंगे। चलिए उत्तर से मिलान करके देखिए। उत्तर है टी पद्मनाभन। अप्पू का ध्यान किस कहानी पर केंद्रित था? सियार और लोमड़ी की कहानी, लोमड़ी और कौवे की कहानी या फिर लोमड़ी और सारस की या फिर सियार और कौवे की कहानी। चलिए उत्तर देखें। उत्तर है सियार और कौवे की। अप्पू को कंचे कैसे दिखाई दे रहे थे? गोल गेंद जैसे, आंवलों जैसे, छोटी गेंद जैसे या फिर उपरोक्त सभी। उत्तर है आंवले जैसे। अगला प्रश्न, अप्पू के स्कूल के रास्ते में कौन सा पेड़ था? पीपल, नीम, आम या फिर शीशम। उत्तर है नीम। कहानी याद करते समय अप्पू को हंसी क्यों आ गई? लोमड़ी की चालाकी पर, कौवे की मूर्खता पर, अपनी चालाकी पर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए उत्तर मिलाइए। कौवे की मूर्खता पर। पाठ रेलगाड़ी कौन से पृष्ठ पर था? 35, 36, 37 या फिर 27। उत्तर है 37 पृष्ठ पर। अगला प्रश्न, रामन मल्लिका किसकी हंसी उड़ा रहे थे? जॉर्ज की, अप्पू की, कंचों की या फिर उपर्युक्त सभी। उत्तर है अप्पू की। मास्टर जी ने अप्पू को कहां खड़ा होने के लिए कहा? दरवाजे के बाहर, कुर्सी पर, बेंच पर या फिर जमीन पर। उत्तर है बेंच पर। उस दिन आखिरी बेंच पर किसे बैठना पड़ा? अप्पू को, जॉर्ज को, रामन को या फिर अमू को। उत्तर है अप्पू को। कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन था? अप्पू, जॉर्ज, रामन या फिर राजन। उत्तर है जॉर्ज। अप्पू के पैर में किसने चिकोटी काटी? अमू ने, राजन ने, रामन ने या फिर मास्टर जी ने। उत्तर है राजन ने। अप्पू के पिता उसे क्या लाकर देते रहते थे? बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी या फिर उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मास्टर जी के प्रश्न करने पर अप्पू क्या उत्तर दे सका? रेलगाड़ी, इंजन, कंचा या फिर रुपए। उत्तर है कंचा। अप्पू कंचे लिए बिना स्कूल की ओर क्यों दौड़ गया?
मास्टर जी की आवाज सुनकर, स्कूल की घंटी सुनकर, दुकानदार से डांट खाकर या फिर अपने मित्र को देखकर? उत्तर है स्कूल की घंटी सुनकर। कक्षा में अपू किसे ढूंढ रहा था? कंचे को, बस्ते को, जॉर्ज को या फिर रुपए को? उत्तर है जॉर्ज को। अगला प्रश्न। कंचे देखकर अपू को जॉर्ज की याद आ गई, क्योंकि वह उसके साथ खेलना चाहता था। जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी था। जॉर्ज अपू का मित्र था या फिर जॉर्ज बीमार था? उत्तर है जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी था। जीतने के बाद हारे हुए बच्चे को जॉर्ज क्या करता था? वह हारे हुए बच्चे को सजा देता था, हारे हुए बच्चे पर जुर्माना लगाता था, या हारे हुए बच्चे की बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी पर कंचा चलाता था, या फिर हारने वाले बच्चों को दोबारा मौका देता था? उत्तर है हारे हुए बच्चे की बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी पर कंचा चलाता था। अगला प्रश्न। पिताजी ने फीस के लिए कितने रुपए दिए थे? 2 रुपए, 1.5 रुपया, 2.5 रुपए या फिर 1 रुपया? चलिए उत्तर देखें, 1.5 रुपया। अगला प्रश्न। मास्टर जी ने अपू के बारे में क्या अनुमान लगाया? मन लगाकर पढ़ाई करने का, उसके भोलेपन का, उसका ध्यान कहीं और होने का या उसकी मूर्खता का? उत्तर है उसका ध्यान कहीं और होने का। अपू के दिमाग में क्या घूम रहे थे? उसके दोस्त, खिलौने, कंचे या फिर रेलगाड़ी? उत्तर है कंचे। अपू की छोटी बहन का नाम क्या था? मुन्नी, छुटकी, गुड़िया या फिर पिंकी? उत्तर है मुन्नी। अगला प्रश्न। ड्राइवर का गुस्सा शांत क्यों हो गया? क्योंकि उसकी गलती थी, अपू की गलती नहीं थी, अपू के भोलेपन के कारण या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है अपू के भोलेपन के कारण। जॉर्ज पाठशाला क्यों नहीं आया था? वह सो रहा था, उसे बुखार था, वह कंचे खेल रहा था या फिर वह देर से उठा था? उत्तर है उसे बुखार था। कक्षा में भूचाल क्यों आया? अपू के गिरने से, मास्टर जी के पढ़ने से, मास्टर जी के चिल्लाने से या फिर कुर्सी के गिरने से? उत्तर है मास्टर जी के चिल्लाने से। बच्चों, आशा है कि आप लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे। आइए अब थोड़े लघु प्रश्न, विस्तृत प्रश्न और पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, अपू के पिताजी उसे क्या लाकर देते रहते थे? उत्तर है, अपू के पिताजी उसे चॉकलेट, पिपरमेंट, बिस्कुट जैसी चीजें लाकर देते थे। अपू क्यों सुबक रहा था? अपू इसलिए सुबक रहा था क्योंकि कक्षा में पाठ पर ध्यान न देने के कारण मास्टर जी ने उसे डांटकर बेंच पर खड़ा कर दिया था। अपू ने फीस के पैसों का क्या किया और क्यों? अपू ने फीस के पैसों से कंचे खरीद लिए क्योंकि उसे वे बहुत अच्छे लग रहे थे। अपू बहुत भोला बच्चा था, उसे ये मालूम नहीं था कि यह काम गलत है और इस तरह से फीस के पैसों से कंचे नहीं खरीदने चाहिए। अगला प्रश्न। फीस के पैसों से कंचे खरीदने पर भी माँ ने उसे डांटा क्यों नहीं? चलिए उत्तर देखें। माँ अपू से बहुत स्नेह करती थी क्योंकि घर भर में वह एक ही बच्चा था। अपू की छोटी बहन के मर जाने के बाद अब कोई भी नहीं था। फीस के पैसों से उसने कंचे खरीदे, इस बात पर माँ हैरान तो हुई लेकिन उसे खुश देखकर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि बच्चों, बच्चे की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। तो आप ये पंक्ति भी बाद में जोड़ सकते हैं। मास्टर जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का अपू सही जवाब क्यों नहीं दे सका? उत्तर है, जब मास्टर जी पाठ पढ़ा रहे थे तब अपू का ध्यान उस ओर नहीं था। उस समय वह कंचों के बारे में सोच रहा था, इसलिए जब मास्टर जी ने उससे प्रश्न किया तब वह उत्तर नहीं दे सका। कंचा कहानी का उद्देश्य क्या है, मतलब इसे क्यों लिखा गया? उत्तर है, लेखक का उद्देश्य एक बालक के मन की सहजता और कल्पना के रूप से पाठक को परिचित कराना है, यानी जो पढ़ने वाला है कहानी उसे ये बताना है कि बच्चे का मन कितना सरल और सीधा होता है। इस पाठ के माध्यम से
लेखक यह बताना चाहते हैं कि बच्चों के जीवन में वास्तविकता का कोई स्थान नहीं होता, वह केवल अपनी कल्पना की दुनिया में ही खोए रहते हैं। अगला प्रश्न, कंचे देखकर अपू का मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था? आइए उत्तर देखें। अपू ने जब विद्यालय जाने के समय एक दुकानदार के पास जार में कंचे देख लिए, तब से उसका सारा ध्यान उन्हीं कंचों की ओर लग गया था। वह उन्हें खरीदने की तरकीब सोच रहा था। वह सोचता था कि जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीदने जाएगा और उनके साथ खेलेगा, इसलिए उसका मन कक्षा में नहीं था, वह तो कंचों की दुनिया में ही खोया हुआ था। अपू को दुकान के जारों में रखे हुए कंचे ही क्यों आकर्षित करते हैं, अन्य चीजें क्यों नहीं करती? आइए देखें। अपू के पिताजी उसे चॉकलेट, पेपरमेंट, बिस्किट जैसी चीजें बराबर लाकर देते थे। वे सभी वस्तुएं उसके लिए नई नहीं थीं, इसीलिए उसकी रुचि उन चीजों में नहीं थी। लेकिन कंचे उसे कभी नहीं मिले थे, यही कारण था कि उसका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि वो नई चीज थी। अगला प्रश्न, अपू के कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए? आइए उत्तर देखें। दुकानदार ने कागज की पोटली में बांधकर कंचे उसे दे दिए थे। जब वह पोटली छाती से लगाए जा रहा था, तो उसने ये देखना चाहा कि क्या सभी कंचों में लकीरें हैं। बस्ते को नीचे रखकर जैसे ही उसने पोटली खोली, तो सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। कंचे खरीदने में अपू किसकी मदद लेना चाहता है और क्यों? कंचा खरीदने में अपू जॉर्ज की मदद लेना चाहता है। जॉर्ज कंचे के खेल का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जॉर्ज हारे हुए खिलाड़ी की बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी को भी तोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, तो उस समय क्या होता है? उत्तर है, कंचे जब जार से निकलकर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। उसे लगता है जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर चला गया है। वहां और कोई नहीं था, वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेर कर मजे से खेल रहा था। उसे अपनी छोटी बहन की याद भी आती है। मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान तो कंचे के खेल में चल रहा था। उसे बॉयलर भी कंचे के जार जैसा नजर आ रहा था। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई। अगला प्रश्न कहता है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अपू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसे देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं, कारण बताइए। उत्तर है, दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा था, लेकिन खरीद नहीं रहा था। दुकानदार को डर था कि कहीं वह जार को गिराकर तोड़ न दे। जब अपू दोबारा उसके पास जाता है, तब वह उसे देखकर हंस पड़ता है, क्योंकि अपने अनुभव के कारण वो जानता था कि अपू कंचे खरीदने जरूर आएगा। जब अपू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं, तो तेज रफ्तार से आती हुई कार का ड्राइवर उसे देखकर पहले परेशान होता है कि कहीं वह दुर्घटना की परवाह किए बगैर सड़क पर कंचे किस प्रकार बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है, तो वो उसके बचपन की शरारत को समझकर या उसके भोलेपन पर हंसने लगता है। प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, मास्टर जी की धीमी आवाज क्यों हो गई? लिखिए। जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया, तब उनकी आवाज ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते थे, ध्यान पूर्वक पाठ को, ताकि बच्चे सुन सकें। जब पाठ शुरू हो गया, तब बच्चे ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनने लगे, तो उनकी आवाज धीमी हो गई। बच्चों, इसका एक और उत्तर हो सकता है कि पहले जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे, तब अप्पू का ध्यान उनकी ओर था, लेकिन जब धीरे धीरे उसका ध्यान कंचों की तरफ चला गया, तो उसे मास्टर जी की आवाज धीमी सुनाई देने लगी। अगला प्रश्न, कंचे, गिल्ली, डंडा, गेंद तड़ी यानी पिट्टू जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। इस अपने आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो बच्चों, आपके इलाके में बहुत से खेल खेले जाते होंगे, आइए थोड़े खेलों के बारे में यहाँ लिखते हैं। हमारे इलाके में पकड़म पकड़ाई, पतंग उड़ाना,
कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं। अगला प्रश्न, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानताएं हैं तो कुछ अंतर हैं, बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं? समानताएं देखें, दोनों ही खेल घर से दूर मैदान में खेले जाते हैं। दोनों के खेलने की विधि यानी तरीका एक जैसा है कि गुल्ली और गेंद दोनों ही डंडे या बल्ले से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। इनमें अंतर क्या है? गुल्ली डंडा अत्यंत सस्ता और गांव में खेला जाने वाला गेम है यानी खेल है। गुल्ली डंडा कम से कम दो लोगों में भी खेला जा सकता है, जबकि क्रिकेट को खेलने के लिए आपको 22 खिलाड़ी और 2 अंपायर चाहिए। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ, MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और पाठ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न। इसमें हमने पुस्तक के अलावा भी बहुत से आपको प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिनसे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। तो एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।